इतना बड़ा पैसा है, गिफ्ट रखा है ये रहा गिफ्ट। खोल जरूर टका कर, अरे खोल के देख ले। हेलो, कैसे हो आप सब। मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल गांव की शांति में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो एक सवाल मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दीदी आपके भाई नहीं है क्या, आपके मायके में कौन कौन है। तो मेरे मायके के ब्लॉग जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई नहीं है। हम सब जो है वो चार बहनें थी, लेकिन मेरी एक बहन छोटी वाली जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो हम सब तीन बहनें हैं और हमारा भाई नहीं है। बट मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमारा भाई नहीं है, क्योंकि मेरी बहनें जितनी अच्छी हैं, मेरा भाई होता भी ना तो उतना अच्छा नहीं होता। पता नहीं क्या होता, क्योंकि एक होता है कि कभी आपको नीड लगे कि आपको भाई की ज़रूरत हो, लेकिन मुझे ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ा। मुझे जब भी ज़रूरत पड़ता है तब मेरी बहनें मेरे लिए हमेशा हाजिर रहती हैं, और जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा उनके पास जो है वो हाजिर रहती हूँ। अभी तो मेरा मैं बहुत ही तो कई महीने से मैं बनारस नहीं गई हूँ, वरना जब भी उनको ज़रूरत पड़ती है लगता है मुझे कि मुझे वहाँ होना चाहिए तो मैं रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि भाई ही हो, ज़रूरी नहीं कि बहन ही हो, जो भी हो उनमें प्यार बहुत ज़रूरी होता है, एकता बहुत ज़रूरी होती है, एक दूसरे को समझने की जो ज़रूरत होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तभी मैं चाहती हूँ कि अरम्या के लिए एक भाई हो या फिर एक बहन हो, लेकिन उसके पास कुछ ना कुछ हो। और इस ये जो चाहत है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही है और मैं परेशान रहती हूँ। सब लोग मुझे सलाह देते हैं आप लोग कि दीदी आप आपके पास तो इतनी एक प्यारी सी बेटी है, आपको क्या ज़रूरत है, क्यों परेशान है। बात वो नहीं होती है, अगर आपके फैमिली मेम्बर बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर ये भी लगता है कि चलो हमारा बच्चा सुरक्षित हो, मतलब हम तो पूरी लाइफ रहेंगे नहीं। तो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं भी बीमार थी, मेरी बहनें आईं दौड़ के, अगर अरम्या के पास भी कोई भाई या फिर बहन होता तो एक होता है जैसे कि स्कूल में उसको किसी ने चिढ़ा दिया था एक दिन कि तुम राखी किसको बांधोगी, तुम्हारे तो भाई नहीं है, तुम्हारे तो भाई नहीं है, ऐसे करके। तो वो बोल के आई कि नहीं मेरे बुआ के लड़के हैं, मेरे भैया लोग हैं, ऐसे करके वो बोल के आई। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो भी मतलब उसको भी वो चीज़ें लग जाती हैं, बच्ची है वो इतनी समझदार नहीं है। तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ। अच्छा, मेरे को ना रक्षाबंधन पे गिफ्ट मिला था, मतलब मिला था कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, लेकिन जब वो मेरी सिस्टर थी, जब मेरी तबीयत ख़राब थी तभी मुझे मिल गया था। तो वो अनबॉक्सिंग की वीडियो है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे क्या मिला था। और बहुत सोच समझ के छोटी छोटी चीज़ें बचत कर करके वो लोग, उनको जो पॉकेट मनी मिलती है ना उनमें से वो लोग बेचारी बचा बचा के मेरे लिए उन्होंने ख़रीदा हुआ है। तो आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ और मैं थोड़ी सी आप सबसे बातें भी कर लेती। तो मैं तो मतलब मैं भगवान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे लाइफ में सबसे बेस्ट मुझे बहनें मिली हैं। और अभी से नहीं, बचपन से हमने सारे अपने सुख एक साथ देखे हैं, हमने सारे अपने दुख एक साथ देखे हैं। मतलब एक होता है कि एक दूसरे का पिलर बन के हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हुए हैं, तो आप सब समझ सकते हैं। और कुछ भी होता है जैसे सबके अपनी अपनी वो है, तो मैं तुरंत उनको कॉल करूँगी कि नहीं ये बात है, मैं ऐसे फंसी हूँ, मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं ये खुश हूँ, मैं वो खुश हूँ। तो ये है अपने बच्चों के अंदर, ये डालिए, भाई बहन कुछ नहीं होता, हाँ लेकिन होना ज़रूरी होता है। और तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मेरे को रक्षाबंधन में क्या गिफ्ट मिला और कैसा मिला, और मुझे ये भी बताइएगा कि वो क्या तो सही है कि नहीं है, और उसके पीछे की जो सोच है वो मैं आपको बताऊँगी। इतना बड़ा पैसा है, गिफ्ट रखा है, ये रहा गिफ्ट, रक्षाबंधन का गिफ्ट हमारी तरफ से दीदी के लिए। दीदी को बताना मत, एक मिनट खोल ही दीजिएगा। दीदी आई देख, तोरा के गिफ्ट रक्षाबंधन का, आई देख। इतना बड़ा क्या खोल के देख। बाप रे बाप, अरम्या को बुला। अरम्या ये देखो गिफ्ट, खोला जा, खोला जा।
खोल जीरो बेटा कागज है इसमें। अरे खोल के देख ले, गिफ्ट है तो रक्षाबंधन आने में तो दीदी सोचो तो कितना बड़ा गिफ्ट कैसे आ गया। पहले ही डिलीवर कर दे तो क्या करें हम, आने में हमेशा हर बार टाइम लगता है, इस बार नहीं लगा है। ये देखो सोच में बनारस में गई थी कैसे लेके काम वाला चीज है, बहुत काम है ना जी। दीदी सोचा थी कहीं बड़ी नहीं थी ना अंदर, बहुत हल्का है, क्या है इसमें। अब देखो हमें क्या पता क्या है, कैसे एडिटेबल है बट खुल गई। बढ़िया मत कटिए ना, निकल के निकल के बढ़िया है, बढ़िया है। ये तो है बहुत अच्छी लग रही है, एक्साइटेड भी है दीदी। गिफ्ट आया है, बोले एक्साइटेड हो क्यों क्यों? बहुत ज्यादा एक्साइटेड। देखिए तीनों लोग कैसे, अरे मैं वहीं पे खड़े हैं, क्या है क्या है, अरे मैं क्या है बता दो, सोचो क्या हो सकता है, बता दो क्या है, क्या बता दो। पिलो, हट पिलो, इतना बड़ा होगा बेटा, बहुत सारा होगा तो सब सजावट का सामान, तो सब मतलब इतना हल्का हुई हाँ, कुर्सी बेटा कुर्सी इतना हल्का होगा। अच्छा ये जी चाय छोड़ के दौड़ गई ना, एक मिनट खोल ले बेटे। क्या मौसी आप लोग जो जितने सारे कपड़े ऑर्डर करते हैं ऐसे के लिए अलग से बोरी भेज रहे हैं लोग, सारे भर के फेंक देंगे एक बार। नहीं बेटा कोई बोरा थोड़ी ना ऐसे भेजेगा उसमें भर भर के, नहीं अंदर प्लास्टिक टच करके दे, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ सॉफ्ट है दीदी तो खाची है का। अब दूर से देख, दूर से देख बताओ ई का हो सकेला, नहीं पता। सोफा है, सोफा है जी जी, सोफो ना एक बार देखा था जा, सोच लिया का है। हाँ, बीम 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 सोफा। बाह दीदी, एक बार बैठ के दिखावे के बाद निकाल, तोर वीडियो खातिर देख बुला लेनी है जा। यही फुली का है यहाँ पे ना, कैसे बजे इधर नीचे मत रखिए, नीचे ना प्लीज, वाह बेटा बेटा कैसे फील होता। इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है और कैसा लगा ये भी बताइएगा। इसके पीछे की सोच यही थी कि देखिए यहाँ पे मेरा प्ले बटन है, यहाँ पे मेरी फोटो है, तो दीदी यहाँ बैठ के ना प्रोडक्ट के रिव्यू करेगी, आराम से बैठ के चाय पिएगी, रिलीफ करेगी, क्योंकि वो जो चेयर आती है ना गोल गोल घूमने वाली, मुझे ये हड्डियों में थोड़ी सी दिक्कत हो गई इसकी वजह से मैं नहीं, मतलब थोड़ा सा मुझे दिक्कत है, तो चेयर तो बहुत कॉस्टली था, बट ये ना अमेज़ॉन से लिया और आई थिंक 1800-1900 के करीब का है इसका प्राइस, मैं आप सबको बता दूँ। ये स्पॉन्सर कोई वीडियो नहीं है, ये उन्होंने अपने बचत पॉकेट मनी से ख़रीदा कि दीदी को रक्षाबंधन का यही गिफ्ट देते हैं, और मैं क्या गिफ्ट देने वाली हूँ ये तो आपको आने वाली वीडियो में पता चलेगा कि मैं उन लोगों के लिए क्या, मैंने क्या सोचा हुआ है। उन्होंने ये इसके पीछे की जो सोच थी कि दीदी को रिलीफ मिलेगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। गिफ्ट ये नहीं होता है कि कितना महंगा है या कितना सस्ता है, प्राइस मैंने इसलिए बता दिया कि आप सब पूछेंगे इसलिए पहले ही बता दिया, बाकी ये नहीं था कि मैं शो ऑफ करूं या फिर मैं प्राइस बताऊं, तो ये माइंड मत करिएगा। बस मेरा यही था कि मैं ये बता सकूँ, अच्छा है, बहुत रिलीफ है। रम्या के पापा भी बैठते हैं, रम्या तो पूरा दिन आते ही उस पर खाना खा के सुबह नाश्ता करके जाती है, और मतलब लगता है कि नहीं हमारे पास है, बहुत अच्छा लगता है और कलर भी बहुत रॉयल सा है। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक छोटी सी वीडियो मैंने शेयर करी, क्योंकि मेरी हर एक दुख में आप सब हैं तो मेरे हर एक खुशी में भी आप सब हैं, और आप सबके बिना मना मैं अधूरी सी हूँ।
अगर मैं एक दिन आप सबसे बातें ना करूँ तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ बहुत छूट गया है। तो थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप सब। मुझे देख के लग रहा होगा लेकिन पूर्वा हवा चल रहा है तो पूरे बॉडी में पेन है और बुखार भी है, इसलिए मेरा चेहरा जो है वो उतरा उतरा सा है। तो अब मैं जा रही हूँ, एकदम सो जाऊँगी सीधे, कोई काम अभी मुझसे नहीं होगा, थोड़ा एक घंटा आराम करने के बाद ही बस मैं ये वीडियो आराम से एडिट करूँगी, आराम से अपलोड करूँगी। लेकिन बस मेरे से रहा नहीं जा रहा था, मैं सोच रही थी कब मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, तो ये रहा, देख लीजिए। आई होप कि पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सबसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।